हेलो गाइस, तो आज हम लोग ने ऑर्डर किया ये अमेज़ॉन से। ये है एक पैन स्टरर, तो देखते हैं ये कैसा है अंदर। तो इसको तो ऑर्डर किया मैंने अमेज़ॉन से, तो अभी इसको ओपन करके देखते हैं। इसका डिलीवरी मुझे आया था ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर आ गया था, तो वो तो फटाफट हो गया था। ये कोई ब्रांड का नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर ब्रांड का तो नहीं है, लेकिन ये जेनरिक वाला स्टरर है। तो ओके, तो ये इसका बॉक्स है, आप देख पा रहे हो। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है हम लोग को। तो ओके, तो इसके अंदर तो सबसे पहले तो एक हम लोग को ये मैनुअल मिलता है, जिसके अंदर सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। उसके बाद हम लोग को मिलता है ये ऊपर का जो पोर्शन है इसका वो, और दूसरा ये नीचे का पोर्शन है। तो अभी इसको ओके, तो सिर्फ इसको इसके अंदर सिर्फ पुश ही करना है, बस इतना ही है। और ये फिट आप देख पा रहे हो कैसे ग्रूव्स है इसके अंदर, और इसके अंदर भी वैसे ही है, तो ये वैसे फिट हो जाएगा। तो बस सिर्फ प्रेस ही करना है, ये हो गया फिट। अभी इसके ऊपर के पोर्शन में शायद बैटरीज डालना पड़ेगा हम लोग को। हाँ, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बैटरीज आएंगे, और ये डबल ए के बैटरीज आएंगे। तो देखते हैं अभी इसके अंदर बैटरीज डाल के देखते हैं हम लोग। ओके, तो मैंने इसके अंदर ये चारों बैटरीज डाल दी है, और इसको सिर्फ यहाँ से लगाना है और गोल घुमाना है, तो ये ऊपर का कवर लग जाएगा। ओके, तो इसको सिर्फ ऐसे प्रेस करना है और गोल घुमाना है, तो ये आपका फिक्स हो जाएगा। अभी इसके अंदर स्पीड्स अगर आप देखोगे तो 3 स्पीड्स का ऑप्शन है, 3 स्पीड में ये घूमेगा। अभी मैंने ऑन किया, ये दिख रहा है आपको, वाइब्रेट हो रहा है ये। अभी मैं इसको टेबल पर रख के आपको दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है ये। ये सेकेंड स्पीड है और ये थर्ड स्पीड है, तो देखते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको क्लियर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था इसमें 3 स्पीड का ऑप्शन है, तो ये अभी मैंने टेबल पर रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो ये ऐसे स्टर करता है, ये 4 स्पीड है, ये 2 पे, और ये 3 पे। अब इसका क्वालिटी देखते हैं। तो ये ऊपर का पोर्शन तो ये रबर का है, तो ये डिसेंट है। ये नीचे का प्लास्टिक है, ये लोग बोलते हैं कि फूड ग्रेड प्लास्टिक है, पर है तो फाइनली प्लास्टिक है। तो एक गरम पैन में या गरम कोई भी चीज़ में ये रखना मुझे इतना सेफ तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी देखते हैं अभी इसको ऑन करके कैसे कैसे वो करता है ये। तो सबसे पहले अभी इसके अंदर तो मैंने बर्तन में कुछ रखा नहीं है, ये सिर्फ एक डेमो के लिए मैं चालू कर रहा हूँ। और ये कर्व वाला पैन है, मतलब फ्लैट पैन नहीं है, तो इसके अंदर देखते हैं हम लोग ये कैसे चलता है। तो आप देख पा रहे हो कि ये इसमें इतना परफेक्टली तो नहीं चल रहा है, लेकिन ठीक है। अभी ये कर्व में तो आपने देखा, इतना मुझे तो इतना खास नहीं लगा। अभी ये फ्लैट, इसमें सिर्फ मैं चला के दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। तो इसमें भी आप देख पा रहे हो, ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर कोई चीज़ ये साइड पे है तो यहाँ पे तो वो स्टर नहीं कर रहा है। अभी थोड़ा गया, लेकिन मुझे फिर भी ये इतना प्रोडक्ट खास नहीं लगा। अब ये इसका सेकंड स्पीड पे, अब ये स्पीड 3 पे ये पूरा घूम रहा है, अच्छे से घूम रहा है, तो वो एक बात अच्छी है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है प्रोडक्ट के बारे में, तो इतना तो है कि ये अगर फ्लैट पैन है तो इसमें तो ये ठीक से चल चल जाएगा,
पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर मुझे कुछ लगा है तो ये इसका प्लास्टिक बॉडी। मैं खुद तो कभी यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि गर्म इसमें मैं अपना कोई भी गर्म चीज़ रहेगी या डायरेक्ट गैस के ऊपर अगर कुछ रखा है तो उसके अंदर मैं कभी भी प्लास्टिक नहीं डालूँगा। तो अगर मैं खुद यूज़ नहीं करूँगा तो मैं आपको भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये परचेस करो। तो यही था इसका रिव्यू, तो ये जेन्युइन रिव्यू था, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ भी बता दूंगा, तो ये जेन्युइन रिव्यू है। मेरे हिसाब से तो ये अवॉइड करना ही बेटर है। अगर इसका कोई दूसरा वर्जन आता है, उसके नीचे का पोर्शन अगर मेटल का है तो फिर आप जा सकते हो इसके साथ, लेकिन अगर ये प्लास्टिक का ही है, भले ये फूड ग्रेड का है लेकिन फिर भी ये प्लास्टिक ही है, तो आप अवॉइड करो। थैंक यू। होपफुली मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।